ये है दिल्ली दर्पण। श्रीधरी के छोटे भाई सुनील का ये पैर से माने आया हूँ, कोई इसके जम जाए वो फिर हम सेवा करें। ये हैं दिल्ली के मुंडका से आम आदमी पार्टी के विधायक धर्मपाल लाकड़ा। चुनावों में ये सबसे अमीर प्रत्याशी के रूप में चर्चित रहे हैं। आरोप ये भी लगे कि इन्हें टिकट दिए जाने का राज भी यही है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये बात भी सच है कि वो हर बात बड़ी सादगी और सच्चाई के साथ करते हैं। इसी सच्चाई के साथ इन्होंने खुलासा किया कि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, वो बस अपने बेटे सुनील लाकड़ा के राजनीति में पैर जमाने के लिए राजनीति में आए हैं। वो तो बूढ़े बैल हैं, उन्हें तो बुढ़ापे में जोता गया है। मुंडका विधानसभा के नांगलोई इलाके में हुए कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में प्रमुख लोगों की मौजूदगी में उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनकर आप भी धर्मपाल लाकड़ा की सादगी और सच्चाई के कायल हो जाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। तो मेरा रिकॉर्ड रहा है ये वाला कि मेरे प्रतिद्वंदियों ने खूब टक्कर मारी है कि कहीं कोई छेद मिल जाए, कोई रुपया या कोई एक आध इंच जमीन ऐसी पकड़ी जाए जो इलेक्शन में इन्होंने ना दिखाई हो, पर कुछ नहीं मिला। तो कहने का ये है, मैंने शुरू से ही इस बात की परवाह नहीं की कि भी जो हमने कमाई की है, जो भगवान ने मुझे कमाई दी है, तो उसका 20% 30% गवर्नमेंट को टैक्स देने में मुझे क्या बुराई है, जो गरीबों के कल्याण में लगना है, गरीबों के काम आना है। तो मैंने वो करोड़ों रुपए साल में टैक्स किया, इसलिए मैं वो अपना कंप्लीट इलेक्शन में नॉमिनेशन में शो कर पाया। जो लोग बेईमान हैं वो पैदा होते तब से लेकर के मरते हैं तब तक उनके पास से भंडार भर जाए, पर वो कहते रहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो कंगले हैं, हमारे पास तो दो कमीज दो पजामे हैं, कुछ नहीं है। तो वो हमारी आदत नहीं है, शुरू से ही भगवान ने हमें जब पैदा किया तभी से गुजारा हमारा ठीक ठाक है, हमारे बाप दादा परदादाओं का ठीक रहा और तो हमारा गुजारा ठीक, हम उसी लाइन पर अपना चले हुए हैं। हम बराबर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और अपना बराबर जो अपना हिसाब बराबर रखते हैं। अभी भी जो इलेक्शन में देखा है वो इसी वजह से कि जो व्हाइट का मेरा मामला है, जिसका मैंने इनकम टैक्स भरा हुआ है, जिसका प्रॉपर्टी टैक्स भरता हूँ हर साल दुनिया भर का, और तो भर रखे है तो इस चीज दिखा पाया हूँ, वरना दिखा नहीं पाते लोग, एक बात ये। दूसरा जो खर्रा जी ने कहा मिनिस्टर, अरे भाई ये तो मैं लड़के के लिए कोशिश की थी, सुनील के लिए, उसको थोड़ा चस्का है, वो आपका चेला है, आप सब भाइयों का भाई है, उसको चस्का है इस चीज का, मेरे को तो बुढ़ापे में काम का और लपेट दिया बुढ़ापे में काम करने के लिए। ये तो तुम है और उनने सुनील सर ने मेरे को तो काम का एक बुढ़े बैल को जोत दिया, अर्थ सच्चाई ये है। तो ये भी इनकी जड़ें जमाने के लिए, नींव जमाने के लिए, ये भी मुझे कहें भाषण दो, अरे मैं राजनीतिक हूं ही नहीं, आप कह रहे राजनीति माए कहाँ है, झूठ बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ आप लोगों का काम करने आया हूँ और इधर इनके छोटे भाई सुनील का के पैर जमाने आया हूँ, कोई इसके जम जाए वो अपने लोगों की सेवा कर रहे। धर्मपाल लाकड़ा ने सचमुच सच्चाई के साथ ये स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उनके व्यवहार में भी ये दिखाई दिया। यही वजह है कि मुंडका विधानसभा में जन समस्याओं और इलाके के दौरों से लेकर अधिकारियों तक से मीटिंग वही कर रहे हैं। इलाके के ही आप कार्यकर्ताओं में इसे लेकर नाराजगी भी है। उनका कहना है कि सुनील लाकड़ा अपने सभी पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।